अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी छत पे आया हूँ और सबसे पहले मैंने आके ये पानी का बर्तन भरा है, ठीक है, क्योंकि सर्दी है, इनको बिल्कुल फ्रेश पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आज धूप नहीं थी निकली तो मौसम काफ़ी ख़राब था, ठंडा था, मैंने ना इनको खोला ही नहीं है। तो अभी मैं घर आया हूँ, ये भी बंद है, वो भी सब बंद है। अब इनको चलिए खोलते हैं जी। सबसे पहले मैं इनको खोलता हूँ, 1 2 3 ये मैंने ऐसे निकाल दी जी। ये जी हमारा पप्पू और हमारे पिजन्स ये आज़ाद हो गए। तो चलिए जी अब इस साइड पे चलते हैं, इसको इधर ही पड़ा रहने देता हूँ। इसको मैं इधर से निकाल के ऐसे करके इधर रखता हूँ, इसको इकट्ठा कर देता हूँ। और ये जी हमारा रामलाल पोगो और हमारी मैडम, यार अंडे देने शुरू कर दो यार, कब दोगी अंडे? ये जी मैंने रंगीले को और इन 3 देसी मुर्गियों को इकट्ठे छोड़ा हुआ है। मैंने कहा चले अब देसी मुर्गा नहीं है तो रंगीले के साथ ही गुजारा करेंगे अपना। ये देख रही इसके काम चेक करें किधर से देख रहा है गंदा। तो चलिए जी अब इनको भी खोलते हैं ऊपर वालों को। ये जी हमारा राजू, वो राजा, ये साइफर, ये वो पीछे रानी है और ये रज्जो है जी। चले जी आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ। ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह से मैंने खोले नहीं हैं और काफ़ी भूखे हैं। अब इन्होंने उतरते साथ ही ना दाना खाना शुरू कर देना, पानी पीना शुरू कर देना। ये हमारा लास्ट जोड़ा रह गया जी, वाइट बेंगम, हमारा शाका और हमारी जो नसरीन है, ये दोनों आ जाओ भाई। ये गई नसरीन और ये गया जी शाका। शाका माशाल्लाह बड़ा हो रहा है तो ना। ये देखे जी, ये सब ने पानी पीना शुरू कर दिया। इनमें से एक दो ढीले भी हैं, ये आपको इस कलर की बीट का अंदाज़ा ही हो जाएगा कि अगर इस तरह की पानी वाली बीट हो ना, जो जिस मर्ज़ी कलर की हो, तो आपका जानवर ढीला है। तो फ्रेंड्स, मैंने ना कल जो हमने नया पिजन लिया था, फीमेल थी वो, जिसके सिर पे ना ऐसे गोटी होती है, तो बात ये है कि उड़ के इधर बैठी थी, मैंने पकड़ी। अब मैंने ना नीचे से कैंची ला करना वो काट दी है। तो चले अब इनको भी मैं बाहर निकालता हूँ, क्योंकि खुद ब खुद तो इन्होंने आना नहीं है। अभी स्टार्ट वाले ना, स्टार्ट में जो एक हफ़्ता है ना, तो एक हफ़्ता तो इनको लग जाएगा इधर ही सीखते रहते। चल भाई ऊपर आ जा, धूप सेक धूप। हो गया जी, ये हमारी लास्ट रह गई। चलो जी ये गई, वो भी गई उड़ के, ये भी गई उड़ के। हाँ बस इतना सा उड़ सको। फ्रेंड्स, अभी मैंने क्या करना है, इनको कम अज़ कम 10 दिन तक मैंने इनको ऐसे ही कटे हुए रखना है। उसके बाद ना मैंने इनके एक एक करके ना सभी पंख खींचने शुरू कर देने हैं, ठीक है। तब तक ये इनको इधर की आदी भी हो जाएंगी, पता चल जाएगा हर चीज़ का, ठीक है। फिर जब इनके पर पूरे होंगे तो फिर मैं इनके पर काटूंगा नहीं, क्योंकि फिर ये कहीं जाएंगे ही नहीं इस वजह से। ये सब देखे जी, इसका मैंने आपको बताया कि इसकी जो बेटी थी वो उधर ले गया मेरा भाई, इन्होंने नए बच्चे भी निकाल लिए हुए हैं। बहुत फास्ट चल रहे हैं यार ये, इन्होंने ना बच्चे नए निकाले हुए हैं। अब ये देखने नहीं देगी, दोनों बहुत गुस्से वाले हैं, रहने देते हैं इनको। और इन्होंने भी अंडे दिए हैं। इनका तो यार शुरू से ही ना मैंने कुछ भी नहीं देखा, इनके बच्चे माशाल्लाह इनके साइज़ के हो गए हैं, ठीक है। ले जी साइफर आ गया ऊपर, और भाई वीडियो बना रहा हूँ, कुछ खास नहीं खिला रहा इनको जो तू आ गया मेरे पास। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैंने आपको और बतानी थी कि हमारा जो साइफर है ना, ये भी जा रहा है, ये जा किधर रहा है, हमारे जो उस्ताद है ना मेरे, जिनसे मैंने ब्रीडर लिया था और बच्चे निकलवाए थे, ये 5-6 जो उनसे थे, तो उन्होंने ना मुझसे एक चूज़ा मांगा है, ठीक है। उन्होंने अपने किसी ख़ास बंदे को देना है जो उसका फैमिली मेंबर भी है, ठीक है। तो लिहाजा अब उस उनके पास जो है ब्रीड कोई भी नहीं है, उनके पास सभी बड़े मुर्गे हैं, उन्होंने बच्चा मांगा है, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जो मर्ज़ी आगे ले जाएं। उन्होंने कहा जोन सा भी देना है ना, वो तुमने खुद देना है। मैंने फिर पहले इसको देखा, फिर मैंने
इसको राजू को देखा, ठीक है, और फिर मैंने देखा राजे को, तो मैंने कहा कि चले बच्चा तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों सेम है, एक ही भाई हैं, ठीक है। तो बात ये है कि इसका मैंने ना शुरू से सोचा हुआ है, इस मुर्गी के साथ राजे का रानी के साथ सोचा हुआ है, ठीक है। और राजू का ना, ये जो राजू है इसकी वाइट नोक नली है, और वो रजो है उसकी भी वाइट नोक नली है, इन दोनों का एक पेयर हो गया। तो फिर एक मेरे पास ये एक्स्ट्रा ही बचता है, तो मैंने सोचा है कि इसी को ही दे दूंगा मैं, ठीक है। अब पता कहीं नहीं है कि अब ये नहीं पता कि वो कब मांगेगी। उन्होंने 3 दिन पहले मुझे कॉल करके कहा था, मैंने कहा ठीक है ले जाए। 3 दिन गुजर गए हैं, आज चौथा दिन है, अभी तक उनकी कॉल नहीं आई ना। मुझे पता है कि कब मांगेंगे वो, जब भी मांगेंगे फिर देंगे उनको जी। ओहो, हमारी 2 मुर्गियाँ तो अंदर ही हैं अभी, इनको भी मैं निकालूं बाहर। चलो भाई, एक आ जा तू भी। वो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का भी लोग इधर था कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और आगे शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।